हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत। दोस्तों, हमें अगर मल द्वार से ब्लड आ रहा है तो हमें सीधा से यही लगता है कि हमें पाइल्स हो गया है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि मल द्वार से ब्लड आने के बहुत से कारण होते हैं। कई बार फिशर होते हैं, अक्यूट फिशर होते हैं, क्रॉनिक फिशर से ब्लड आता है, अंदर इंटरनल हेमराइड होते हैं, या कॉलन या रेक्टम में कहीं और भी प्रॉब्लम हो सकती है जिनसे ब्लड आ रहा हो। दोस्तों, सिर्फ अपने हिसाब से आप चीज़ों को इंटरप्रिटेट मत करें। पहले हम लोग फाइनल डायग्नोसिस बनाएं, उसके बाद ही आगे चीज़ों को फॉरवर्ड करें। बिल्कुल, अगर मलद्वार से हमें ब्लड आ रहा है तो सबसे पहला तो होता है पाइल्स यानी बवासीर। और पाइल्स या बवासीर में जो ब्लड आता है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आता है। फिशर में जो ब्लड आता है वो कम मात्रा में आता है और दर्द के साथ आता है। जो अगर एनल कैनाल के अंदर जाएं, रेक्टम से भी कई बार ब्लड आ जाता है। जैसे कई बार पॉलिप होते हैं, जो वहाँ से ब्लड आता है उसका ब्लड फ्रेश ब्लड नहीं आता, वो थोड़ा सा ब्लड का कलर बदल जाता है। क्योंकि एनल कैनाल यानी पाइल्स और फिशर का अगर ब्लड आएगा तो फ्रेश ब्लड बिल्कुल स्कारलेट कलर होगा, बिल्कुल लाल होगा। और अगर रेक्टम से ब्लड आएगा तो हल्का सा ब्लड का कलर बदला होगा, या तो हल्का सा ब्राउनिश रेड होगा या कई बार ब्लैक आता है। अगर छोटी आंत से ब्लड आ रहा है, जैसे कोलन, जेजुनम है, ड्यूडेनम है या इलियम है, वहाँ से ब्लड आ रहा है तो बिल्कुल ब्लैक कलर का ब्लड आता है। और अगर कोलन से ब्लड आ रहा है, यानी चाहे वो असेंडिंग कोलन हो, चाहे ट्रांसवर्स कोलन हो, चाहे आपका डिसेंडिंग कोलन हो, या कई बार सिग्मॉइड कोलन से भी ब्लड आ सकता है, तो इनका थोड़ा सा कलर बदल जाता है। तो मल द्वार से केवल ब्लड आना है कोई हमेशा बवासीर ही नहीं कारण होता है। तो अगर आपको ऐसा कभी दिखता है मल द्वार से ब्लड आना, तो सबसे पहले अपने आसपास के किसी डॉक्टर से जरूर मिलें, उनको अपना मल द्वार चेक कराएं, कंफर्म डायग्नोसिस बनवाएं, तब जाके इसका इलाज लें। और अगर आपको लगता है कि ठीक है, शर्मवश आप उनको नहीं दिखा सकते, तो निशुल्क आप जो हम इस पे नंबर पढ़ा है, आप उस पे अपना वॉइस मैसेज या मैसेज डाल दीजिए कि भाई हमें इस तरह का ब्लड आ रहा है तो हमें क्या कारण हो सकता है। कोशिश हम करेंगे जब हम फ्री होंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको निःशुल्क दे देंगे। दोस्तों, इसीलिए हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं कि आप इधर उधर भटके नहीं, प्लीज ऊबर टू काउंटर ड्रग न लें और एक फाइनल डायग्नोसिस बना के ही चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करें। कई बार होता है कि लोग अपने मन से दवा खाते रहते हैं, हो सकता है उनको पाइल्स है, वो फिशर की दवा खा रहे हैं। हमारी ओपीडी में आने वाले बहुत से लोग हमेशा यही गड़बड़ करते हैं, उनको फिशर होगा तो वो पाइल्स बताएंगे, पाइल्स होगा तो फिशर बताएंगे, हमेशा यही होता है। तो इसलिए हमको एक फाइनल डायग्नोसिस बना के ही आगे चीज़ों को कंटिन्यू करें।